हॉलीवुड जैसा नहीं होना चाहिए हमारा भविष्य, कल की 2898 एडी के डायरेक्टर ने मार्वल को टक्कर देने पर कही ये बात। प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म कल की 2898 एडी कमाई के मामले में 1000 करोड़ रुपए का आंकड़ा छूने के करीब है। फिल्म की सफलता से इसके लेखक और निर्देशक नाग अश्विन खासे उत्साहित है। अब नजरें इस फिल्म के दूसरे पार्ट को लेकर है जिसे आने में वक्त लगेगा। इस बीच फिल्म को लेकर नाग अश्विन ने खास बातचीत की है। नाग अश्विन ने कहा कि रिव्यू से ज्यादा ट्विटर पर प्रतिक्रिया पड़ी है। निश्चित रूप से आलोचनाओं में कहा गया कि फिल्म कुछ जगह धीमी थी, लेकिन उसी रिव्यू में अंत में फिल्म की जमकर तारीफ भी की गई है। थिएटर के बाहर आने के बाद कई लोग फिल्म का रिव्यू दे रहे थे, वो भी कमी निकाल रहे थे, लेकिन अंत में उन्होंने फिल्म की तारीफ ही की। बुज्जी को बनाने के बारे में कैसे सोचा, इस सवाल का जवाब देते हुए नाग अश्विन ने कहा, बुज्जी तो हमारी फिल्म का 5वां किरदार रहा है। पहले तो उसे लिखने की प्रक्रिया रही, उसके बाद चुनौती उसे बनाने की थी। बुज्जी का विशुद्ध रूप से इंजीनियरिंग का सफर रहा है। ऐसा वाहन अभी तक नहीं बनाया गया है। 3 पहियों के इस वाहन का वजन करीब 6 टन है। बुज्जी फिलहाल भारत भ्रमण पर है, जहां वो जयपुर, चंडीगढ़, दिल्ली गया हुआ है। सब जगह उसे बहुत प्यार मिल रहा है। छोटे बच्चों को उससे बहुत प्रेरणा मिल रही है। बुज्जी को बनाने का अहम आइडिया हमें बच्चों को प्रेरित करना ही था। उसे बनाने के लिए ऑटोमोबाइल कंपनी की मदद ली गई, क्योंकि हम इंजीनियर्स नहीं हैं। वहीं जब नाग से यही सवाल किया गया कि कल्कि की दुनिया को बनाने में कितना कुछ काम करना पड़ा, तो इसका जवाब देते हुए डायरेक्टर ने कहा, हम भविष्य के बारे में सोच रहे थे, जैसे हॉलीवुड साइंस फिक्शन और भविष्य आधारित फिल्मों के बारे में सोच रहा है। हमारा भविष्य वैसा नहीं होना चाहिए। हमारी साइंस फिक्शन भविष्य आधारित फिल्म में भारतीयता होनी चाहिए, तो उसे कैसे बनाना होगा उसके बारे में काफी सोचना पड़ा कि हमारी काशी नगरी कैसी होगी, उसके वाहन कैसे होंगे। हमारी फिल्म में एक ऑटो है, लेकिन वो भविष्य का ऑटो है, वो सभी भारतीयों के साथ जुड़ता है, और हमने इस प्रकार इस फिल्म के बारे में बनाने के लिए सोचा।